अरसल चलो डाइनिंग रूम में खाना खाने। छोड़े मामा ये खाना वाना, अब ये बताएं कि ये इज्जत अफजाई करवाने के लिए लाई थी यहाँ मुझे? सो सॉरी बेटा, तुम जानते हो उनका मिजाज। मैं पहले ही बता रहा हूँ मामा, अगर ये रवैया रहा ना उनका तो एक मिनट में चला जाऊंगा यहाँ से। तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। अब मैं उन्हें कब तक समझाऊं, वो क्या इस उम्र में सीखेंगे। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अच्छा ये बताओ, हम उजाला की तरफ कब चल रहे हैं? पहले आप अपने शौहर से तो पूछ लें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई फिल्म चला दे। करूंगी बात, कल करूंगी बात आपसे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, पापा को ये चीज बता दीजिए कि मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। सुनो बस कर दो, इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, और चुप करके चलो खाना खाने। मुझे नहीं खाना वाना, भूख नहीं है। अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना अरसद, तो सीरियसली मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। सीरियसली मामा, मुझे एक बात तो बताएं, क्या आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ब्लैकमेलर्स हैं क्या? अच्छा बाकी बातें डाइनिंग टेबल पे होगी। चलो आओ जी, शाबाश, चलो चलो। ये ले आओ। आपा, मुझे लगता है कि आपने उस बात को दिल से लगा लिया है। क्या मुझे लगता है कि खावर की रूह को बहुत तकलीफ हो गई इस बात से। वो नमीरा से बहुत मोहब्बत करता था, टूट कर चाहता था उसे। अम्मी ये खाला की मेडिसिन्स हैं, इन्हें खिला दीजिएगा। खाला की बात सुनी है ना तुमने? सुबह ही जाना नमीरा भाभी के पास और माफी मांग कर आना। अरे नहीं रखिया, नहीं रहने दो, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। नहीं नहीं खाला प्लीज, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो मेरी भी तो भाभी है ना, मैं कल ही जाके उनसे माफी मांगूंगा। लेकिन मैंने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। आपने क्या सोचा था आपा? अरे छोड़ो, रहने दो इस बात को। तुम्हें ये बात बुरी लगेगी। आखिर पता भी तो चले कि आपने क्या सोचा था। मैंने सोचा था कि नमीरा इस घर की बहू बनने वाली थी, अब खावर तो इस दुनिया में रहा नहीं है, तो क्यों ना हम जुनेस से उसकी। क्यों आपा, मेरे बेटे के लिए एक बेवा औरत ही रह गई है और कोई नहीं? तुमने ये नहीं सोचा कि वो बेवा किसकी है? खावर की बेवा है, जो जुनेद को हमेशा अपना छोटा भाई समझता था। वो तो ठीक है आपा। अब खाला पहले आप ठीक हो जाइए, हम इस टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? आई एम सॉरी जुनेद, अगर तुम्हें ये बात बुरी लगी हो, मैं आइंदा ये बात नहीं दोहराऊंगी। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारे दोस्त ने जेवरात वसूल कर लिए थे? रसीद कहाँ है उसकी, मुझे वो रसीद तो। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।